नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम समेत कई पदाधिकारियों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ चर्चा की। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक, 15 जीआरजी पर करीब 2.5 घंटे चली बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट रहे मौजूद। पीसीसी प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन भी रहे मौजूद। साल 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठकें लगातार जारी हैं, जिसको लेकर जयपुर से दिल्ली तक आला नेताओं की भागदौड़ लगी हुई है। साल 2018 में हुए राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए आतुर है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में बैठे कांग्रेस के आलाकमान के दरबार में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की बैठकें हुई, जिसमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई और पदाधिकारी मौजूद रहे। ऐसे में दिल्ली में लोकसभा चुनावों को लेकर चली अहम बैठक के बाद पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि जनता ने जिन विधायकों को विधानसभा के लिए चुनकर भेजा है, 5 साल जनता की सेवा करेंगे। लोकसभा लड़ने के लिए हमारे पास कई नेता हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित 14 फरवरी के अजमेर दौरे को लेकर आज बैठक में चर्चा हुई है। जनता ने 5 साल तक वक्त दिया था कार्य के लिए, लेकिन 3 राज्यों में हारने के बाद मोदी जी को जनता याद आई। आगामी लोकसभा में 25 सीटों पर जीतने को लेकर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस वार रूम 15 जीआरजी में करीब 2.5 घंटे चली बैठक में राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बैठक में लोकसभा की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें संगठन एवं सरकार के कार्यों को लेकर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, इसमें संगठन को सक्रिय करने को लेकर सभी नेताओं ने अपने विचार रखे, जिस पर विस्तृत चर्चा हुई। लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी के निर्देशानुसार युवाओं को अधिक से अधिक मौका दिया जाएगा। वहीं राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि अनुशासन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अत्यंत गंभीर हैं और बागी विधायकों को वापसी को लेकर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है। बागी विधायकों ने समर्थन दिया है, उसके लिए उनका सम्मान करते हैं। विधायकों के लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर अभी स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी और उसके बाद ही इस पर अंतिम निर्णय हो पाएगा। बहरहाल लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से राजस्थान कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली में कांग्रेस 15 जीआरजी के वॉर रूम में जिस तरह से बैठकें हो रही हैं और देश के मुद्दों समेत कई समस्याओं को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में कांग्रेस लगातार बीजेपी पर दबाव बनाने में लगी है। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से संवाददाता रहमतुल्ला की रिपोर्ट। राजस्थान यूनिवर्सिटी का दिन पूरी तरह से धरना स्थल के रूप में तब्दील हो गया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन आंखें बंद किए हुए बैठा रहा। आरयू प्रशासन एक तरफ बोल रहा है कि कोई भी धरने को लेकर अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन उसके बावजूद आरयू में पूरा दिन हंगामे से सराबोर रहा। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में एससी एसटी और ओबीसी छात्रों ने हंगामा करते हुए 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सवाई मानसिंह अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट में लगी पीआईएल पर हाईकोर्ट गंभीर है और अस्पताल की समस्याओं को कैसे निस्तारण किया जाए, इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश से एसएमएस अस्पताल के हालात का जायजा लेने के लिए एमिकस क्यूरी एडवोकेट तनवीर अहमद को नियुक्त किया गया है। तनवीर अहमद ने सवाई मानसिंह अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक की। निरीक्षण के दौरान सामने आया जानकारी रिपोर्ट को अब वे सोमवार को हाईकोर्ट में पेश करेंगे। ये जो एसएमएस हॉस्पिटल है, राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इसको अस्पताल कहा जाए, और हमारा जो अनुमान है, जो हमने देखा है और अभी जो डाटा से जो लगभग कंफर्म सा हो गया है कि तकरीबन डेली 50,000 के आसपास फुटफॉल यहाँ होता है। लगभग 50,000 आदमी, चाहे वो मरीज के रूप में या अटेंडेंट के रूप में या एसएमएस हॉस्पिटल में एंटर होता है, रुकता है या फिर जाता है। तो ऐसी सूरत में जब ये
तकरीबन 10,000 लोगों का डेली इलाज करते हैं। इतना बड़े तादाद के अंदर सारी सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराना एक चुनौती की तरह है। बनेड़ा के पूर्व विधायक, वर्तमान सरपंच और कांग्रेस के पीसीसी मेंबर पराक्रम सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पूरे दिन गहमा गहमी बनी रही। पराक्रम सिंह को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायालय ने सुनवाई के बाद जमानत पर छोड़ दिया। इससे पूर्व कोर्ट ने उन्हें जेसी के आदेश दिए थे, लेकिन बाद में हुई सुनवाई में उन्हें 25,000 रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया गया। वहीं अधिवक्ता रवि डांगी ने कहा कि पराक्रम सिंह पर बनेड़ा थाने में धारा 452, 332, 353 में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें हमने कोर्ट में दलील पेश की। इस मामले में किसी का भी कोई मेडिकल सामने नहीं आया है। सेशंस कोर्ट ने पराक्रम सिंह जी बनेड़ा को 25,000 की जमानत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। पूर्व में इनके खिलाफ 3 जनवरी को बनेड़ा में 452, 332, 353, 186 IPC में केस दर्ज हुआ था, लेकिन कोर्ट ने, हमारा ये तर्क था कि साहब इसमें कोई मेडिकल पेश नहीं है तो हर्ट होने का सवाल ही नहीं होता, उसको मानते हुए आज उनको जमानत पर रिहा किया और 25,000 की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ब्यावर शहर में सरकारी चिकित्सकों के निवास स्थान के आसपास मेडिकल स्टोर होने और सरकारी क्वार्टर्स में रहने वाले चिकित्सकों की ओर से की जा रही प्रैक्टिस से रोगियों को महंगे दामों पर दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। साथ ही चिकित्सकों की ओर से लिखी गई पर्ची के आधार पर अनावश्यक जांचें करवानी पड़ रही हैं। कमीशनखोरी के इस गोरख धंधे को लेकर शनिवार को नरेंद्र मोदी विचार मंच के पदाधिकारियों ने अस्पताल PMO से मुलाकात करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मंच पदाधिकारियों ने PMO डॉक्टर M.K. जैन को एक अलग से शिकायत देकर बताया कि सरकारी क्वार्टर्स में रहने वाले सरकारी चिकित्सक वहां पर मेडिकल स्टोर चलाकर प्रैक्टिस करते हुए सरकारी भवनों की दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि इन चिकित्सकों को शहर में आवास है। पदाधिकारियों ने ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। आदरणीय PMO साहब को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मोदी मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि जो भी राज्य के चिकित्सक हैं उनके घर यानी कि उनके निवास के बाहर कोई भी तरह के मेडिकल स्टोर नहीं संचालित होंगे। इसके बावजूद भी हाउसिंग बोर्ड में, चंपा नगर में, जहां राजकीय डॉक्टर उनके घर के निवास के बाहर मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं, आज मोदी मंच ने साफ शब्दों में PMO साहब को कह दिया है कि अगर 72 घंटे के अंदर इन डॉक्टर्स के निवास के बाहर और आसपास मेडिकल स्टोर बंद नहीं होते हैं तो मोदी मंच इन डॉक्टरों के घर के बाहर उग्र प्रदर्शन। उदयपुर के कानोड़ा थाना क्षेत्र में अवैध अफीम और गांजे की खेती करने वाले पर पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन खेत का मालिक मौके से फरार हो गया। वहीं पीछा करने के दौरान थानाधिकारी गड्ढे में गिर गया, जिससे वे घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिरोही के पालनपुर फोर लाइन पर एक कार डिवाइडर से टकराने से कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिससे LNT की रेस्क्यू की टीम ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को पालनपुर राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के दौसा में चोरों का हौसला लगातार बुलंद होता जा रहा है। जिले में बेखौफ होकर बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि जिले मेहंदीपुर में संचालित बालाजी संस्कृत महिला महाविद्यालय और महंत किशोरपुरी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी भवन में अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ कर जमकर उत्पात मचाया और चोरी कर फरार हो गए। महाविद्यालय में प्रवेश द्वार का कांच टूटा मिला तो वहीं अन्य दरवाजे और ताले भी टूटे मिले, जहां से एक कंप्यूटर सेट गायब मिला। इसके अलावा कॉलेज कार्यालय का रिकॉर्ड भी इधर उधर बिखरा हुआ मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी भगवान सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। भरतपुर में जुरहरा थाना पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सोनोखर चौकी पर नाकाबंदी करते हुए OLX पर फर्जी विज्ञापन देकर तेलंगाना से बुलाए गए 5 युवकों को ठगी की वारदात से बचा लिया। पुलिस ने आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से एक 315 बोर का अवैध देसी कट्टा बरामद किया है। ड्राइवर सद्दाम से पूछताछ में ठगों के साथ वारदात को अंजाम देना कबूला गया है, वहीं बाकी ठगों की तलाश भी जारी है।
लखीमपुर खीरी के मैलानी थाने के बांकेगंज कस्बे में तैनात पुलिस के सिपाही ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि सिपाही सिकंदर बांकेगंज कस्बे में किराए के कमरे में अकेला रहता था। जब सुबह ड्यूटी पर न पहुंचने पर साथी सिपाही कमरे पर देखने पहुंचे तो कमरे की कुंडी खुली हुई थी और सिपाही सिकंदर छत के कुंडे पर लटक रहा था। सुसाइड का कारण अभी पता नहीं चला है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों के सामने एक्सपर्ट ने शव को उतार कर जांच शुरू कर दी थी। तो 2016 बैच का सिपाही सिकंदर अली जो यहाँ PRV पर था बाइक पर, इसकी तैनाती थी। अभी ये 5 दिन पहले छुट्टी भी गया था, 21 तारीख से 26 तक ये छुट्टी पर रहा है। पीलीभीत का रहने वाला है। उसके बाद जब यह आया था तो 3 दिन इसने ड्यूटी की थी और पिछले 2-3 दिन से यह यहीं पर ही रह रहा था। और जो इसी PRV पर अन्य जो 5 कर्मचारी थे वो अलग रहते थे और यह यहाँ अलग रहता था। और इसके अब सुबह जब 10 बजे एक सिपाही यहाँ पर होमगार्ड पहुँचा है तब उसने देखा कि इसने ये यहाँ पर शव लटकता हुआ मिला तो सुसाइड इसने की है। गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के कोट गांव इलाके में RPF की लाइन में दूसरी मंजिल पर नए बैरक को बनाने के लिए खड़ी की गई करीब 50 मीटर लंबी दीवार और पिलर अचानक भरभरा कर नीचे आ गए। अचानक हुए हादसे में RPF के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर खड़ी एक स्कूटी भी मलबे में दब गई, जिसके बाद घायलों को गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लखनऊ के इको गार्डन पार्क में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर संविदा कर्मियों को समान कार्य वेतन की मांग को लेकर भूख हड़ताल की गई। संविदा कर्मियों के हड़ताल के समर्थन में आए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परिषद के पूर्व सदस्य संजय दीक्षित ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी तो हम लोग अनिश्चितकाल तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। 3-4 प्रमुख मांगे हैं। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जो समान काम का समान वेतन संविदा कर्मियों को मिलना चाहिए, जो ना मिल रहा है और उच्चतम न्यायालय ने उसको देने के लिए कहा है, उसको तत्काल लागू किया जाए। दूसरा, जो आशा बहु बहन हमारी हैं वो संविदा पर भी नहीं है, प्रोत्साहन राशि मिलती है, उनको संविदा में लाकर एक नियमित वेतन मान दिया जाए। तीसरा है, जो संविदा के कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के द्वारा की जाती है, एक नया दलाल पैदा कर दिया सरकार ने, वो प्रथा तत्काल बंद की जाए। आखिरी मांग हमारी ये है कि मनरेगा के मजदूरों को पिछले कई माह से वेतन नहीं मिला है, अधिनियम के अनुसार उनको ब्याज समेत वेतन दिया जाए। जयपुर महाखेल मुकाबले का आयोजन जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में किया जाएगा, जिसका आगाज 11 फरवरी को केंद्रीय युवा और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार के युवा मंत्री राज्यवर्धन खेल के जरिए एक बार फिर जयपुर ग्रामीण के युवाओं को एक साथ रूबरू होंगे। राज्यवर्धन लोकसभा चुनाव से क्षेत्र की प्रत्येक गांव पंचायत तक युवाओं के बीच खिलाड़ियों की तलाश में जुटेंगे। जयपुर महाखेल मुकाबले के जरिए युवा और खेल मंत्री राठौड़ क्षेत्र के मतदाताओं की नब्ज भी टटोलेंगे। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर भविष्य के खिलाड़ियों की तलाश के लिए केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पहल की है। जयपुर महाखेल मुकाबले का आयोजन जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में किया जाएगा, जिसका आगाज 11 फरवरी को केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे। आज इस 2019 वर्ष में हम तलाश कर रहे हैं जयपुर ग्रामीण में सबसे तेज धावक की, कि कौन सबसे तेज दौड़ता है 100 मीटर लड़के और लड़कियों के लिए, और फिर एक लंबी दौड़ जिसमें 1.5 किलोमीटर लड़कियों के लिए और 3 किलोमीटर लड़कों के लिए। ये हर गांव से एक एक टीम बनेगी, हर गांव में मुकाबला होगा, हर पंचायत में मुकाबला होगा, और हर पंचायत में मुकाबला होने के बाद हर पंचायत से 28 लोगों की टीम बनेगी 100 मीटर लड़के लड़कियों के लिए, 1500 लड़के लड़कियों के सिर्फ लड़कियों के लिए और 3000 सिर्फ लड़कों के लिए। इस तरह की 28 लोगों की टीम बनेगी जिसमें रस्ता कशी भी शामिल होगा, और ये 28 लोगों की टीम का फिर मुकाबला विधानसभा स्तर पर होगा, और विधानसभा स्तर के बाद मुकाबला होने के बाद लोकसभा स्तर के मुकाबला होगा। जयपुर महाखेल मुकाबले का आयोजन जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में किया जाएगा। मुकाबले में
क्षेत्र की पंचायत स्तर पर लड़के लड़कियों की अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी। इसके तहत 100 मीटर 1500 मीटर दौड़ के अलावा रस्सा कस्सी समेत कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। मुकाबले का आयोजन 11 फरवरी को पंचायत स्तर पर होगा तो वहीं 16 से 18 फरवरी के दौरान जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक विधानसभा स्तर पर होगा। साथ ही 24 फरवरी को लोकसभा स्तर पर फाइनल का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में विजेताओं को मोटरसाइकिल लैपटॉप आदि के 7,50,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन पिछले 4 साल से क्षेत्र में सक्रिय है। क्षेत्र के युवाओं के लिए अन्य खेलों को बढ़ावा देने के अलावा युवाओं को आर्मी भर्ती के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर चुके हैं। इसके अलावा क्षेत्र में नवनिर्मित स्टेडियम के जरिए युवा खिलाड़ियों को नए मौके उपलब्ध हुए हैं। जयपुर महाखेल मुकाबले के जरिए राज्यवर्धन एक बार फिर विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद युवाओं और क्षेत्र की जनता से पंचायत स्तर पर रूबरू होंगे। इस मुकाबले को राजनीतिक गलियारों में चुनावी प्रचार के बिगुल के रूप में भी देखा जा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल ने अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत आज निर्मल ग्राम पंचायत गोपालपुरा में 5 दिवसीय गोपालपुरा महोत्सव का ध्वजारोहण कर शुभारंभ किया। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री मेघवाल ने कहा कि हमें दिखावा नहीं करते हुए सामूहिक विवाह पर जोर देना चाहिए। वर्तमान दौर में इस तरह के आयोजन की समाज में बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार की 2 माह की उपलब्धियां भी गिनवाई। मीडिया से बात करते हुए मास्टर भवनलाल ने कहा कि जुमलेबाजों और झूठों की पार्टी है भाजपा। विधानसभा चुनाव में जनता ने वसुंधरा को झूठ बोलने का जवाब दे दिया है। आने वाले दिनों में मोदी के झूठे वादों का भी जवाब जनता देने वाली है। तो जुमले वाली पार्टी है, जुमला पार्टी, झूठी पार्टी, जुमला दे दो। अरे भाई 15 लाख रुपए का तो जुमला था, मैं तो वो जुमला बोल, अब जनता उनको जुमला बता देगी। जैसे वसुंधरा जी को बताया ना जुमला, वैसे जनता भारत के अंदर अब की बार कांग्रेस का राजदाते जुमला बता देगी। तो ऐसा कोई बजट होता है क्या? आपको 1 महीने बाद तो आपका हो रहा है आचार संहिता लग रही है, 1 महीने बाद चुनाव घोषणा हो रहे हैं। आज आप कह रहे हम देंगे, कहाँ दोगे तुम? तुम्हारा राज आएगा तब दोगे ना, राज आने वाला नहीं है। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस का राज तीनों स्टेटों में आया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, मुझे बड़ी खुशी है कि तीनों स्टेटों के अंदर सभी मुख्यमंत्रियों ने कर्जे माफ की बात की। जयपुर नगर निगम की सिविल लाइन्स जोन क्षेत्र में निगम की सतर्कता दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आवासीय क्षेत्र में चल रहे व्यवसायिक गतिविधियों पर छापामार कार्रवाई की और 13 संस्थानों को सीज कर दिया। ये कार्रवाई राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश अनुसार की गई है। उपायुक्त सिविल लाइन्स जॉन सरोज ढाका के आदेश अनुसार कनिष्ठ अभियंता अजय कुमार मीणा निगम के सतर्कता दल ने बरकत नगर और टोंक फाटक पहुंचे, जहां बरकत नगर समेत आसपास की कॉलोनियों में व्यवसाय क्षेत्र में चल रही व्यवसाय गतिविधियों पर कार्रवाई की। जयपुर में बाइकर्स गैंग एक के बाद एक चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। गिरोह ने इस बार प्रताप नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 10 में घर के बाहर बैठी महिला को अपना निशाना बनाया। घटना की शिकार महिला नीतू गुप्ता ग्रामीण बैंक में कर्मचारी हैं। पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। हालांकि प्रताप नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे कुंडेरा गांव में एक महिला एक बार फिर टाइगर की शिकार हो गई। टाइगर ने महिला के शव को बुरी तरह छत विछित कर दिया, जिसके कारण शव खेत में अलग अलग टुकड़ों में पड़ा मिला। घटना का पता चलने के साथ ही मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई और महिला के छत विछित शव को चादर में समेटा गया। इस दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को सूचना दी। आज सुबह सूचना मिली कि यहाँ मुन्नी देवी नाम की एक महिला को सुबह टाइगर खा गया था जी। तो उसके बाद में क्या चल रहा है मामला? उसके बाद में यहाँ मौके पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम और हमारा प्रशासन पुलिस यहाँ पहुँचा और उसके बाद में हमने उसको देखा और एज पर जो वन विभाग के अधिकारी बता रहे हैं उसके हिसाब से ये
मौत टाइगर की खाने से ही हुई है महिला की, और उसका हम अभी पोस्टमार्टम करवाने जा रहे हैं। ग्रामीण किस तरह की मांग कर रहे हैं सर? सर इसमें क्या है कि ग्रामीणों की मांग है कि सरकारी नौकरी दी जाए और 20 लाख रुपए की सहायता। विश्व बैंक की टीम इन दिनों भारत भ्रमण पर है। शनिवार को ये टीम अजमेर प्रवास पर रही। टीम ने गगवाना के दो और घुघरा के आंगनवाड़ी केंद्र का अवलोकन किया। टीम के केंद्र पर पहुंचने पर राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया, जिससे टीम के सभी सदस्य खासे खुश नजर आए। केंद्र पर गोद भराई की रस्म आयोजित की गई, जिसमें समुचित पोषण की जानकारी दी गई। वहीं सोफिया कॉलेज की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कुपोषण, गर्भवती महिलाओं में होने वाली बीमारियों सहित अन्य जानकारियां दी। वहीं जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने सभी सदस्यों को पोषण कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से बताया। जयपुर स्थित एसएमएस स्टेडियम में छठी लेखा कप खेलकूद प्रतियोगिता 2019 के अंतर्गत पहले दिन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। विभिन्न विभागों की कुल 14 टीमों ने इसमें भाग लिया है। आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता के दौरान मैच 2, 3, 8 और 9 फरवरी तक आयोजित होंगे। देश महामंत्री दिनेश गर्ग ने बताया कि प्रतियोगिता एसएमएस स्टेडियम के स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित की जा रही है और सभी खिलाड़ी उत्साह से भागीदारी निभाते नजर आ रहे हैं। ये हम 2003 से प्रतियोगिता कराते आ रहे हैं। पहली बार हमको सरस ने जो स्पॉन्सर्ड किया है, और ये सिस्टम लेखा कप खेलकूद प्रतियोगिता है। इसमें लगभग 600 से 700 कर्मचारी अधिकारी भाग ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में, और सारे राजस्थान से इसमें प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कैरम, चेस, क्रिकेट और एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, और राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन जिला शाखा जयपुर के नेतृत्व में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ये जो प्रतियोगिता होती है, राजस्थान के जितने भी संघ महासंघ है, कोई भी ऐसी प्रतियोगिता नहीं कराता जो राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन कराती है। इसमें राजस्थान के सभी कर्मचारी अधिकारी आरएस, आईपीएस, आईएएस तक भाग लेते हैं इसमें, और ये प्रतियोगिता छठवीं प्रतियोगिता है हमारी। 2003 से हम लगातार करा रहे हैं इसको। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।